decisions taken in the meeting we have with us, the Honorable Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development, Panchayati Raj and Food Processing Industries, Sri Narendra Singh Tomarji, the Honorable Minister for Information and Broadcasting, Environment, Forests and Climate Change, and Heavy Industries and Public Enterprises, Sri Prakash Javadekarji. After the briefing, we'll take some questions related with the cabinet decisions. Over to Honorable Minister, sir. सबको नमस्कार. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें तीन अहम फैसले लिए गए. करोड़ों किसानों को एमएसपी खरीफ की राहत थी, तो खरीफ सीजन के पहले ही वो घोषित की है और बढ़ी भी है, तो उसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको विस्तृत जानकारी देंगे. दूसरे एक निर्णय के अनुसार रेलवे यातायात ज्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज्यादा आवंटन किया गया है. अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी, अब 5 MHz स्पेक्ट्रम ये 700 MHz के बैंड में दिया जाएगा, तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा. पहला फर्क यह पड़ेगा कि अभी तक रेलवे का कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा होता था, अब यह अत्याधुनिक स्पेक्ट्रम मिलने के कारण यह अब रेडियो कम्युनिकेशन होगा, रियल टाइम होगा, और इसलिए सेफ्टी बहुत बढ़ेगी. सिग्नल का भी अनेक जगह नूतनीकरण हो रहा है और होगा, होता रहेगा. इसमें संचार और सिग्नलिंग दोनों में परिणाम होगा अच्छा. संचार में भी सुधार आएगी, गति आएगी, क्वांटम होगा, और सिग्नलिंग में भी इसका निश्चित प्रभाव होगा. यह दुनिया की एक आधुनिक प्रणाली होगी. अब हाई स्पीड रेडियो कम्युनिकेशन होगा. एक और विशेषता है आज के निर्णय में, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है. और खुशी की बात यह है कि कोल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी दो गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है वो 4 भारतीय कंपनियों ने बनाई है. मेक इन इंडिया का ये बहुत सुंदर आविष्कार है, और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी. रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी, और ये सब आने वाले 5 साल में काम पूरा होगा. अपने यहां 96% ट्रैफिक 34,000 किलोमीटर के रेलवे के ट्रैक पर होती है. ये सभी 34,000 किलोमीटर का ट्रैक इसमें लिया जाएगा. ये 5 साल में काम पूरा होगा, उसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा, लगभग 12-12 हजार करोड़ रुपए दोनों व्यवस्थाओं में, सिग्नल के आधुनिकीकरण में भी और
ये 5G स्पेक्ट्रम की सारी मैकेनिज्म लागू करने में। तो ये 4G स्पेक्ट्रम का 5 MHz स्पेक्ट्रम 700 MHz बैंड में रेलवे को मिलना एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है, और भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम के बारे में कहाँ कितना उपयोग होता है, किसके पास कितना है, ये करके एक और उपयोग कैसे हो सकता है इसकी व्यवस्था की है। उसी के तहत ये रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में 5 MHz स्पेक्ट्रम 4G का मिलेगा और रेलवे की व्यवस्था अत्यंत आधुनिक होगी। यही मुझे बाकी प्रेस नोट में लिखा है। दूसरे एक फैसले में तेलंगाना में रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट्री है, यह अभी शुरू हुई है, लेकिन जो नई निवेश की नीति कि फर्टिलाइजर के नए फैक्ट्रीज के निर्माण में सब्सिडी देने की जो नई निवेश नीति 2014 में मोदी सरकार आने के बाद की थी, वो 19 तक जो फैक्ट्री शुरू होगी उन्हीं को मिलने वाली थी, लेकिन अब 21 में शुरू हो गई है तो उसको भी ये एक्सटेंड किया है कि उनको भी ये सहूलत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। इससे 12,70,000 मेट्रिक टन उत्पादन यूरिया का साल भर में होगा। इससे यूरिया के बारे में हमारा आयात कम होगी, इंपोर्ट कम होगा, और एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के दिशा में ये भी एक बढ़ता हुआ कदम है। आगे भी अनेक फैक्ट्रीज की योजना की है ताकि आत्मनिर्भर भारत यूरिया और अन्य खादों के लिए भी सही मायने में यहाँ उत्पादन उसका होने लगे, यही दृष्टि है उसकी। और इसलिए आज ये रामगुंडम केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री को जो सहूलत नहीं तो नियमों के अनुसार नहीं मिलती थी क्योंकि 19 तक नहीं बना था, लेकिन वो एक्सटेंड करके 21 में बना है, तो भी ये फैसला लिया गया कि उसको भी सब्सिडी दे। अंततः इसका फायदा किसान को ही होता है। तो यही दो विषय है। अब सबसे एक बड़ा निर्णय करोड़ों किसानों को जिसका सीधा लाभ मिलने वाला है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में नरेंद्र जी तोमर बताएंगे। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपस्थित सभी मित्रों, जैसा कि प्रकाश जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, उसमें विभिन्न निर्णय लिए गए। कुछ निर्णयों को विस्तार से उन्होंने रखा है। कृषि से संबंधित जो विषय है वो मुझे रखने के लिए उन्होंने कहा है, तो मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत साल में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए
जिन निर्णयों से किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आए और खेती फायदे का सौदा बने, इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए। जहां योजनाओं की आवश्यकता थी योजना बनी, योजनाओं के लिए बजट प्रावधान की जरूरत थी तो बजट प्रावधान किए गए, और जहां सरकार को पूंजी लगाने की आवश्यकता थी वहां अधिक पूंजी लगाकर भी किसान का फायदा हो यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सब लोगों के ध्यान में है कि लगातार यह बात चलती रहती थी कि MSP पर जो लागत आती है उस पर MSP 50% मुनाफा जोड़कर घोषित होनी चाहिए। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया और तब से लेकर अब तक लगातार फसल के अनुसार यह MSP समय पर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर बढ़ाई जाती है और उस पर किसान का जब फसल आ जाए तो खरीद की व्यवस्था भी की जा सकती है। जैसा कि अभी हाल ही में हम सब लोग उपार्जन के दौर से गुजर रहे हैं, जून 21 तक पिछले वर्ष इसी अवधि में 372.23 LMT खरीद हुई थी और उसकी तुलना में अगर आज देखेंगे तो 416.95 LMT से अधिक यह खरीद गेहूं की हो गई है और इसका लाभ 45.67 लाख किसानों को मिला है और इस खरीद के परिणाम स्वरूप 82,347.39 करोड़ रुपया MSP के मूल्य का भुगतान किसान के खाते में करने का काम भारत सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो धान का आंकड़ा लें, जून 21 तक 813.11 LMT धान की खरीद की गई है। पिछले वर्ष का अगर इसी समय का हम आंकड़ा देखें तो 736.36 लाख मीट्रिक टन था और इस बार जो धान की खरीद हुई है उसका लाभ 120 लाख से अधिक किसानों को मिला है और इसके परिणाम स्वरूप 153,515.20 करोड़ रुपए MSP का भुगतान चावल उपार्जन के दृष्टि से किसान के खाते में देने का एक सफलतम प्रयत्न हुआ है। इसी प्रकार से दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी भारत सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से खरीद करती है और अभी देखेंगे तो 2021 और रबी 21 के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 458,000 से अधिक किसान दलहन और तिलहन की खरीद से लाभान्वित हुए हैं और निश्चित रूप से इस दिशा में और निरंतर कोशिश की जा रही है कि दलहन का रकबा बढ़े, तिलहन का रकबा बढ़े और इसके लिए दलहन और तिलहन मिशन पर भारत सरकार काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रयत्न भारत सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर चल रहे हैं वो प्रयत्न सफल होंगे और अगले बार हमारा रकबा भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और हम खरीद कर सकेंगे और जो आयात पर हमारी निर्भरता है
उस निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का निर्णय हुआ है। मैं आपके सामने इसे रखने जा रहा हूँ। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है जो 50% से अधिक है। ऐसे मैं सभी के आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 2021 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा, 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। ये टेबल आप सबके समक्ष पहुंचने वाली है। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस दृष्टि से और आकर्षित करना चाहता हूँ कि जैसे धान सामान्य ग्रेड का है, 2014 में जब हम लोग आए थे उस समय धान का भाव 1360 रुपया कुंटल था और आज MSP की बढ़ोतरी, मोदी सरकार की नीतियाँ, उसके परिणाम स्वरूप यह 1940 रुपया कुंटल है। बाजरा अगर देखेंगे हम तो 14-15 में 1250 रुपया कुंटल था, आज 2250 रुपया कुंटल है। उस समय मक्का को अगर हम देखेंगे तो 1310 रुपया कुंटल थी और आज 1870 रुपया कुंटल है। तूर की दाल को अगर हम देखेंगे तो 4350 थी 14-15 में, आज 6300 है। ऐसे ही मूंग को अगर हम देखेंगे तो 4600 उस समय थी और आज 7275 है। उड़द को देखेंगे तो 4350 थी, आज ये 6300 रुपया प्रति कुंटल है। इस प्रकार से एक तौर से काफ़ी अंतर MSP की जो पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की उस के अनुसार जो निर्णय किए जा रहे हैं उसका परिणाम स्वरूप किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। और आपने देखा कि देश भर में बातें तो बहुत चलती हैं, लेकिन पिछले दिनों जब रिफॉर्म की बात आई थी तब MSP के बारे में कई प्रकार की शंका कुशंकाएँ थीं, तो उस समय मैंने भी हाउस में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को आश्वस्त किया था कि MSP है और MSP आगे भी रहेगी। उस वक्तव्य के अनुसार लगातार रवि और खरीफ के MSP घोषित की जा रही है। सरकार गेहूं और धान का उपार्जन FCI के माध्यम से कर रही है। दलहन और तिलहन का जो उपार्जन है वो भारत सरकार अपनी अन्य एजेंसियों के माध्यम से कर रही है, इसलिए इसमें किसी को भी कहीं भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। MSP चल रही है, MSP बढ़ रही है, MSP पर खरीद भी बढ़ रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसानों को कि किसान बंधु अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़ रही है। और अगर टोटल में हम देखेंगे तो कुल मिला के लागत पर 62% की वृद्धि इस बार की जो निर्णय है उनमें हो रही है। पिछले दिनों एक विषय काफ़ी गर्म था देश में और उस समय सभी लोगों की चिंता थी क्योंकि DAP खाद
कि हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर है, और पहले जो एक बैग डीएपी का मिलता था उसकी कीमत 1700 रुपया होती थी, 500 रुपया भारत सरकार की सब्सिडी थी, और इसलिए किसान को 1200 रुपया एक बैग पर देना पड़ता था। लेकिन एकाएक अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गईं और इस एक बैग की कीमत 2400 रुपया हो गई। अगर भारत सरकार की सब्सिडी 500 रुपया ही रहती तो निश्चित रूप से ये बैग किसान को 1900 रुपये में लेना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से किसान हितों का हमेशा ध्यान रखते हैं, तत्काल उन्होंने बैठक बुलाई, निर्णय किया और एक बैग पर 1200 रुपये की सब्सिडी देना तय किया। परिणाम स्वरूप अब किसान को सिर्फ 1200 रुपये में ये बैग मिलेगा और इस पर जो अतिरिक्त सब्सिडी भारत सरकार को बैन करना पड़ेगी वो लगभग 15,000 करोड़ रुपया इस सीजन के लिए है। यही विषय मुझे आप सबके मध्य रखना था। आप सब ने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर माननीय प्रकाश जी समाधान करेंगे, मेरे लायक होगा तो मैं भी कुछ कहूँगा। वील टेक सम क्वेश्चंस नाउ। 52 18 प्लीज गो अहेड। राहुल गांधी का एक ने सुबह एक ट्वीट किया था सर, आज के इनका कहना था कि किसान आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान मारे गए हैं और एक उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में जरूरी मारे हैं किसान। आप इतनी चीज कह रहे हैं कि किसानों की एमएसपी बढ़ाया जाए, अभी राकेश जी क्या ममता बनर्जी से मिले तो वहां पर दूसरे तरह की देखिए, आप और सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के साथ थी, है और आने वाले कल में रहेगी। गत 7 वर्षों में किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, खेती को समृद्ध करने के लिए जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं, उसका खंडन कोई भी करने की स्थिति में नहीं है। कृषि कानून देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लाना चाहती थीं लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने किसानों के हित में ये बड़ा कदम उठाया और रिफॉर्म किया, उसका फायदा भी देश भर में अनेक स्थानों पर किसानों को मिला, लेकिन बीच में किसान आंदोलन खड़ा हुआ। सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनका आदर और सम्मान करती है, इसलिए सम्मान पूर्वक किसानों के साथ 11 बाद भारत सरकार ने वार्ता का आयोजन किया, उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है। लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया, इसलिए वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम सब सम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। जहाँ तक राहुल गांधी के ट्वीट का सवाल है उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से वो अभी भी जमे हुए हैं, कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी मांग को लेकर अपना आंदोलन नहीं छोड़ा है, क्या कोई बातचीत का कोई रोड मैप आपको लगता है नए सिरे से होनी चाहिए, क्या सरकार की ओर से कोई पहल होगी? क्योंकि वो कहते हैं, सरकार कहती है बातचीत के लिए आइए, लेकिन वही एजेंडा सरकार दे देती है। जो 11 बातचीत राउंड की बातचीत हुई है उसमें नतीजा नहीं निकला तो वो सरकार के ऊपर डालते हैं। आपके पास कोई फ्रेश प्रपोजल है बातचीत के लिए? देखिए, 11 बार की बात सरकार ने खाली खाली नहीं की है,
जब वो वार्ता के लिए आए तो हर बार हमने एक ठोस प्रस्ताव उनको दिया। उनकी चर्चा के दौरान जो विसंगतियां ध्यान में आती थी, यद्यपि वो विसंगतियां नहीं थी, फिर भी किसानों के सम्मान में हमने उन विसंगतियों पर चर्चा करने और उसको निराकरण करने का प्रस्ताव उनको दिया था। और जब वार्ता स्थगित हुई, उस दिन भी इस कानून को 1.5 साल तक स्थगित रखकर कमेटी बनाकर कानून पर विस्तार से किसान, विद्वान, अधिकारी सब मिलकर चर्चा करें और इस कानून में अगर आपको कोई खामी लगती है तो निश्चित रूप से हम उसका निराकरण करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ा प्रस्ताव था, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं मांगा माना तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.